चले जी, फाइनली अलहमदुल्ला आ चुके हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रवानगी जो है होने वाली है। निकल रहे हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए थोड़ी देर में। आगे चल के जो है आपको फिर बताते हैं कि जी क्या सीन है। वो देखो यार वही वाला है, इसी पे जाने वाले हैं economy class, I think ये वाली है। बहुत गर्मी टाइट है तो कुछ पानी शानी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर पानी की प्राइस क्या है बॉस? पानी की प्राइस लिखी 75 rupees। चलो सो ये है जी अपना जहाज एयर सियाल का। सो आज हम एयर सियाल से जा रहे हैं इंशाल्लाह फाइनली। क्लियर हो गए हैं, अब निकलते हैं जी अपने गेट की तरफ। गेट नंबर है 13, गेट ढूंढते हैं। और अच्छा जी, तो अब सीन ये है कि जी वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाने का जो पर्पज़ है वो ट्रेनिंग्स और अपनी जो है कुछ इंगेजमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह जो है वो इस्लामाबाद में। पहले आप तशरीफ ले जाएं प्लीज़, आपको तशरीफ ले जाना चाहिए। ये है जी अपना एयरक्राफ्ट एयर सियाल, आई थिंक जा रहा है डिपार्चर। हमारी फ़्लाइट जो है वो 7 बजे की है, इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 6:15, तो थोड़ा सा वक्त है। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो हमारी होगी, ये डिपार्चर की तरफ जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटीफुल साइट। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली है, नमाज असर, और अब मगरिब की भी जो है कसर कर लेंगे क्योंकि मगरिब की नमाज़ फिर निकल जाएगी क्योंकि फ़्लाइट हमारी है। बैग्स क्लिक करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो वॉल आर्ट जो है नज़र आ सकती है। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच्ड इस्लामाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने रूम के अंदर हूँ, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी जर्नी करके जो है वो हम आ चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज सबके लिए, और वो ये है कि इंसान को ना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और कहीं किसी चीज़ को करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है या वो आपको जो है आपके लिए ठीक नहीं है।
हो सकता है कि आप वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो वैल्यू ऐड कर रही है, मगर कॉन्शियस चॉइसेस लेनी पड़ती हैं ज़िंदगी के अंदर। कहीं जाने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है भाई। ये ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, ज़िंदगी का बहुत अहम प्रोसेस है। अगर इसको नहीं करेंगे, अल्टीमेटली चीज़ें तो आपको फ़ायदा पहुंचा रही होंगी, आपको वक्ती तौर पे नज़र आ रहा होगा कि बड़ा अच्छा है और फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, मगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी बेहतर चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी बेहतर ऑब्जेक्टिव को, किसी बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। सो इसी मैसेज के साथ आज के इस वीडियो को, इस व्लॉग को जो है एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम। देखिए जी, मैंने रूम में बखेड़ा करना शुरू कर दिया।